हेलो एवरीवन, तो इससे पहले हम हमारी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के तीन मेथड्स पढ़ चुके हैं, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है एरर एनालिसिस फॉर ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जब हम ट्रेपेजोइडल रूल से इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ट्रेपेजोइड्स में ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम इसको सब इंटरवल्स में ऐसे ट्रेपेजोइड फॉर्म कर रहे हैं तो हम एरिया इतने पोर्शन का कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे एरिया बच गया है ये तो हमारा एग्जैक्ट इंटीग्रल में आना चाहिए था। अब जैसे इसको मैं ट्रेपीजियम में बनाऊंगी तो यहाँ पे ये वाला एरिया बच गया है, तो मतलब जो मेरा ट्रेपेजोइडल रूल से आंसर आ रहा है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, उसमें कुछ एरर है। तो हमें वही एरर कैलकुलेट करनी है कि कितनी एरर बच रही है। तो पहले तो हमारा ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला था क्या, अगर मुझे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक, तो x नॉट से लेके एक्स एन तक अगर मुझे एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है तो माई फार्मूला वॉज एच बाई टू फर्स्ट और लास्ट टर्म एक बारी एफ एक्स एन एंड बाकी जितनी भी बच गई बीच में दैट वुड बी टू टाइम्स, जैसे एफ एक्स वन एफ एक्स टू एंड अप टिल एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, दिस वॉज माई फार्मूला टू कैलकुलेट। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको ट्रेपेजोइड में बना रहे हैं, कई बार ज़्यादा एरिया कंसीडर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ ट्रेपेजोइड बनाने की कोशिश करूँगी तो ये ऐसे ऊपर से जाएगी मेरी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एरिया कंसीडर कर रही हूँ। तो मुझे अब एरर कैलकुलेट करना है कि मेरे एग्जैक्ट आंसर से कितना अलग आंसर आ रहा है। तो अगर मुझे अपना एरर निकालना होगा तो माई एरर वुड बी इंटीग्रल जो मेरा एक्यूरेट होना चाहिए एक्स नॉट से एक्स एन एफ एक्स डी एक्स, दिस इज़ माई एग्जैक्ट आंसर। ये अब इसमें से मैं ट्रेपेजोइडल रूल वाला आंसर, ये आंसर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये मेरा एरर होगा, और इसी एरर का मुझे फॉर्मूला आज निकालना है कि ट्रेपेजोइडल रूल मुझे कितना एरर देता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी कि जैसे अब मैं अपने एरिया को सब इंटरवल्स में डिवाइड करती हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि पहले मैं एक सब इंटरवल का एरर कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं सेकंड का कैलकुलेट कर लूँगी जितना भी होगा, देन मैं थर्ड का कैलकुलेट कर लूँगी, ऐसे ऐसे सभी इंटरवल्स का मैं एरर कैलकुलेट करके अगर सम अप कर दूँगी सारे एरर्स को तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल एरर मिल जाएगा। तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे हमारा एरर निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो पहला सब इंटरवल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट इज़ फ्रॉम एक्स नोट से लेके एक्स वन तक। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम हमारी टेलर्स सीरीज ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहेंगे हमारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टेलर्स एक्सपेंशन मुझे क्या कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को मैं जैसे अगर उस पे यहाँ पे इनका कोई मीन पॉइंट ले लूँ एक्स बार, तो मैं उस पॉलिनोमियल को उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स बार प्लस एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार की होल की पावर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एंड सेकेंड डेरीवेटिव एट एक्स बार। ऐसे ऐसे जैसे मतलब पावर जितनी होती जाएगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल होता जाएगा एंड उतना ही डेरीवेटिव होता जाएगा एंड दिस गोज टिल इन्फिनिटी जितना भी हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जैसे इतना इंटीग्रल में इतने एरिया में मुझे इस सब इंटरवल में अपना एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस सब इंटरवल का मेरा एरर क्या हो जाएगा, एक्स नोट से लेके एक्स वन तक माय एरर वुड बी जितना यहाँ पे एक्यूरेट आंसर है क्या, एक्स नॉट से एक्स वन एफ एक्स डी एक्स, दिस इज़ माय एक्यूरेट आंसर, जितना मुझे ट्रेपेजोइडल से मिल रहा है एच बाय टू फर्स्ट एंड लास्ट एक बारी। अब इनके बीच में जो स्टेप लेंथ थी वो तो कुछ नहीं है, ये तो एक्स बार तो मैंने टेलर्स एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया था, एक्स नोट के बाद अगला स्टेप तो मेरा एक्स वन ही था ना, तो अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो वो यही होगा। ठीक है, दिस इज़ माय आंसर बाय ट्रेपेजोइडल रूल और ये मेरा एक्यूरेट आंसर था, तो ये मेरा एरर होगा। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूला में किस किस की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स नोट की चाहिए एंड एफ एक्स वन की चाहिए, तो मेरा एरर का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन की वैल्यू मैं लाऊंगी मेरे टेलर्स एक्सपेंशन से। मैं क्या करूंगी, जो यहाँ पे एक्स है इसको एक बार एक्स नोट से रिप्लेस कर दूंगी एंड एक बार एक्स वन से रिप्लेस कर दूंगी और फिर उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट मेरा टेलर्स एक्सपेंशन में पुट किया तो मेरा क्या होगा, एफ एट एक्स बार प्लस एक्स नोट माइनस एक्स बार एफ डैश एट एक्स बार प्लस एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल वुड बी टू
एंड देन डेरिवेटिव एट एक्स बार प्लस प्लस. अब देखो अगली जो टर्म होगी दैट वुड बी एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, तो उसको मैं ऑर्डर ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब लिख लेती हूँ. जैसे ही मेरी हायर डिग्री की और भी टर्म्स आएंगी तो ये एक्स माइनस एक्स बार एक छोटी चीज़ है और इसकी पावर्स मैं बढ़ाती जाऊँगी तो वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता जाएगा. तो मैं आगे वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रही हूँ और थर्ड वाली टर्म को डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ले रही हूँ. अब जो मेरा ये सब इंटरवल था एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, जो x बार था वो इनका मीन पॉइंट था. ठीक है, मीन पॉइंट कैसे निकलेगा, x नोट प्लस x1 बाय 2, ये था मेरा x बार. अब ये पूरा डिस्टेंस मेरा h था, है ना, स्टेप लेंथ. अब x बार इनका मीन पॉइंट है तो मतलब इधर भी डिस्टेंस कितना है h बाय 2 एंड इधर भी डिस्टेंस कितना है h बाय 2. तो मेरा x बार ऑलमोस्ट, अगर मैं मेरा x नोट अगर 0 है तो मेरा x बार किसके इक्वल हो जाएगा, h बाय 2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि अगर मैं एक्स नॉट और एक्स बार का डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, अब एक्स बार बड़ा है एक्स नॉट छोटा है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स बार मेरा क्या होगा, माइनस एच बाई टू, है ना. एंड मेरा एक्स वन माइनस एक्स बार, एक्स वन माइनस एक्स बार दिस वुड बी एच बाई टू क्योंकि मेरा एक्स वन बड़ा है. ठीक है, अब इस वाली चीज़ को तो मैं इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगी एंड इस वाली चीज़ को मैं तब रिप्लेस करूंगी जब मैं मेरे x को x1 से रिप्लेस कर रही होंगी. ठीक है, अब ये वाली चीज़ मैं यहाँ अगर पुट करूँ तो क्या होगी, f ऑफ x बार प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस h बाय 2 फर्स्ट डेरिवेटिव एट x बार एंड दिस वुड बी h स्क्वायर बाय 8 सेकेंड डेरिवेटिव एट x बार एंड ऑर्डर ऑफ एच क्यूब वाला टर्म वुड बी हेयर. ठीक है, तो ये तो मेरा है जब मैंने x को x बार से रिप्लेस, x नॉट से रिप्लेस किया. अब मैं मेरे x को x1 से रिप्लेस करूँगी मेरे टेलर्स एक्सपेंशन में, जो टेलर्स एक्सपेंशन यहाँ थी. ठीक है, अब मैं इसको x1 से रिप्लेस करती हूँ तो दैट वुड बी f एट x बार प्लस x1 माइनस x बार फर्स्ट डेरिवेटिव एट x बार प्लस x1 माइनस x बार डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इस वाली चीज़ का होल स्क्वायर एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट एफ एक्स बार. ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ, अब आगे हायर टर्म हो जाएगी तो एक्स वन माइनस एक्स बार का ये क्यूब. ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन मैं पहले निकाल चुकी हूँ कि एक्स वन माइनस एक्स बार मेरा कितना होगा, अब की बार प्लस एच बाई 2 होगा. तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं एच बाई 2 की वैल्यू रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरा क्या होगा, एफ एट एक्स बार प्लस एच बाई 2 फर्स्ट डेरिवेटिव एट एफ एक्स बार प्लस एच स्क्वायर बाई 8 सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स बार एंड दिस वुड बी ऑर्डर ऑफ एच क्यूब. ठीक है, अब मेरे पास ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज माई इक्वेशन 2. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी और ये जो मेरी वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन को रिप्लेस कर दूंगी. मेरे पास एफ एक्स नोट आ गया है, एफ एक्स वन आ गया है, एफ एक्स मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये एरर वाली इक्वेशन में मैं तीनों वैल्यूज रिप्लेस कर दूंगी तो मेरे पास एरर का फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट. एक बार रिप्लेस करते हैं और फिर पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आएगा. तो माई एरर वुड बी इंटीग्रल ऑफ किसका, कहाँ से कहाँ तक, एक्स नोट से एक्स वन, एफ एक्स डी एक्स का, मतलब एफ एक्स डी एक्स मेरा क्या होगा, f at x bar plus x minus x bar first derivative at f x bar plus x minus x bar ka whole square divided by 2 factorial would be 2 and second derivative at x bar or plus order of x minus x bar ka whole cube wala term aur iske aage dx lagega. ye maine fx ki value replace ki hai. ab subtract hoga h by 2 then इसमें मल्टीप्लाई में साथ में आएगा एफ एक्स नोट प्लस एफ एक्स वन. एफ एक्स नोट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, क्या है, एफ एक्स बार माइनस एच बाई टू एफ डैश एक्स बार, ये लिख लेते हैं. तो दिस वुड बी एफ ऑफ एक्स बार माइनस एच बाई टू फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स बार प्लस एच स्क्वायर बाई 8 एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स बार प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यूब वाला टर्म. ठीक है, ये तो मेरी वैल्यू है एफ एक्स नॉट की. अब इसके प्लस में थी वैल्यू एफ एक्स वन की, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, एफ एक्स बार माइनस दिस वुड बी प्लस एच बाई टू एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स बार प्लस
एच स्क्वायर बाय एट एंड सेकेंड डेरीवेटिव एट एक्स बार प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यूब वाला टर्म यहाँ भी, ठीक है। ये पूरी मेरी वैल्यू किसकी है, एफ एक्स वन की, और ये पूरा एक ब्रैकेट में इनक्लोज है सारा, ठीक है, एच बाई टू इनकी मल्टीप्लीकेशन में। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा एच बाय टू एफ एक्स बार यहाँ नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। अब ये वाली चीज़ मेरी इंटीग्रेट करनी अभी बची हुई है जो मैंने एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस की थी। अब एफ एक्स बार मेरी एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, तो अब मैं इस वाली टर्म को एक बार इंटीग्रेट करके ब्रैकेट के बाहर लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैंने एफ एक्स बार का इंटीग्रेशन किया तो एक कॉन्स्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल निकलेगा एक्स एफ एक्स बार, ठीक है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, एक्स वन एंड दिस इज एक्स नॉट प्लस, अब एक्स माइनस एक्स नॉट है, एक्स माइनस एक्स बार है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रल करके निकालूंगी तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स एक्स बार, और इसकी लिमिट जाएगी एक्स नॉट से एक्स वन तक, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स बार, ठीक है। देन प्लस में एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइड बाय में सिक्स, और इसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक्स नॉट से एक्स वन, एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन में है डबल डेरिवेटिव एट एक्स बार। और प्लस में अब देखो ये है ऑर्डर ऑफ थ्री पावर वाली टर्म, अब जब इसका मैं इंटीग्रल करके निकालूंगी तो एक पावर ऐड होके निकलेगी, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑफ एच की पावर फोर होके निकलेगा, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच की पावर फोर होके कैसे निकला है। वाली चीज़ भी साथ में सॉल्व कर लेती हूँ जो माइनस एच बाई टू के साथ था, तो दिस वुड बी, अब एफ एक्स बार एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो टू टाइम्स एफ एक्स बार मल्टीप्लाई में एच बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई एफ एक्स बार, ठीक है। अब एच स्क्वायर बाय एट एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो एच स्क्वायर बाय एट, एच स्क्वायर बाय एट कितना हो जाएगा, टू एच स्क्वायर बाय एट, तो एच स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, और यहाँ पे एक एच बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, तो एच क्यूब और एक टू यहाँ पे है, तो दिस वुड बी एच क्यूब बाय एट माइनस का है सॉरी एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स बार। और फिर यहाँ पे मेरी क्या टर्म आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एच की पावर फोर, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा एच क्यूब तो ऑलरेडी है, अब बाहर एक और एच से मल्टीप्लाइड है, तो मेरी कौन सी टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एच की पावर फोर। अब ये जो लिमिट्स बची थी, अब मैं यहाँ पे एक्स वन एक बार पुट करूंगी देन सब्ट्रैक्ट करूंगी एक्स नॉट पुट करके, अब यहाँ पे एक बार एक्स वन पुट करूंगी देन एक्स नॉट पुट करके माइनस कर दूंगी, ऐसे यहाँ पे एक्स वन पुट करूंगी एक्स नॉट पुट करूंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके जस्ट मुझे सॉल्व करना है। और जो मेरी लास्ट में इक्वेशन बचेगी वो ऐसी कुछ बचेगी कि मतलब मेरे पास ये टर्म्स बचेंगी, एक्स वन माइनस एक्स नॉट एंड एक्स वन प्लस एक्स नॉट होल डिवाइड बाय टू एंड एफ डैश एट एक्स बार माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स नॉट, ये बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी एफ डैश एट एक्स बार है और डिवाइड बाय टू है। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और इनके प्लस में है एच क्यूब बाय 48 डबल डेरीवेटिव एट एक्स बार प्लस एच क्यूब बाय 48 डबल डेरीवेटिव एट एक्स बार माइनस एच क्यूब बाय 8 डबल डेरीवेटिव एट एक्स बार प्लस ऑर्डर ऑफ एच की पावर फोर वाला टर्म, ठीक है। अब इनको यहाँ पे एच क्यूब बाई 48 एच क्यूब बाई 48 माइनस एच क्यूब बाई 8, जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगी तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी माइनस 1 बाय 12 एच क्यूब एंड एफ डबल डेरीवेटिव एट एक्स बार। इसके प्लस में ऑर्डर ऑफ एच की पावर फोर भी होगा, अब उसको मैं इग्नोर कर दूंगी क्योंकि एच जो ऑलरेडी बहुत छोटा है, एच की पावर फोर बहुत छोटा हो जाएगा, तो मेरा जो एरर एनालिसिस एरर का जो फॉर्मूला निकल के आया ट्रेपेजॉइडल रूल में एक्स नॉट से लेके एक्स वन के इंटरवल तक, वो मेरा ये निकल के आया, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे निकालना था, जैसे मेरा तो जो एरिया था वो ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइडेड था, अभी तो मैंने सिर्फ x नॉट से x1 तक का ये वाला एरर कैलकुलेट किया, अभी मुझे x1 से x2 यहाँ का एरर भी कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ का एरर भी कैलकुलेट करना है, यहाँ का एरर भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये मेरा x0 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है,
इनके बीच में मैंने अभी के लिए तो x बार माना था, अब मैं इसको x1 बार ले लेती हूँ, इनके बीच में आ जाएगा x2 बार, यहाँ पे मेरा आ जाएगा x3 और ये मेरा x3 बार। अब मैं हर किसी के बीच में ऐसे ये पुट करके और इक्वेशन से निकाल लूँगी तो मेरा फाइनल एरर क्या होगा, जब मैं सबके सब इंटरवल्स के छोटे छोटे एरर्स को ऐड कर दूंगी तो पहले सब इंटरवल का मेरा आएगा माइनस वन बाई ट्वेल्व एच क्यूब एंड फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स वन बार। ऐसे ही जब सेकेंड सब इंटरवल का क्या होगा, माइनस वन बाई ट्वेल्व एच क्यूब एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स टू बार, ठीक है। ऐसे ही अप टू मेरा कहाँ तक होगा, माइनस वन बाई ट्वेल्व एच क्यूब एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स एन बार, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेती हूँ, माइनस वन बाय ट्वेल्व और एच क्यूब मेरा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स वन बार, सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स टू बार एंड अप टू मेरा जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स एन बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एच क्यूब का टर्म है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एच स्क्वायर डॉट एच, और एच का फॉर्मूला क्या था अगर एक बार हम रिमाइंड करें तो एच वॉज बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, तो इसको भी मैं एच को रिप्लेस करके यहाँ पे एक बार लेट मी यूज इरेजर वंस, इस एच को मैं रिप्लेस करके बी माइनस ए बाई एन से लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई एन और ब्रैकेट में सेकेंड डेरीवेटिव एट एक्स वन बार, सेकेंड डेरीवेटिव एट एक्स टू बार अप टू माय सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स एन बार, ठीक है। अब ये देखो ये तो मेरे सारे सेकेंड डेरिवेटिव्स का सम है एंड डिवाइडेड बाय एन, जब मैं इसके नीचे ले जाऊंगी तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस वुड बी माइनस वन बाय ट्वेल्व एच स्क्वायर, जब ये मेरे सारे सेकेंड डेरिवेटिव्स का सम है डिवाइडेड बाय एन, तो मैं अपने मैक्सिमम जो मेरी मैक्सिमम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही होगी उसको कंसिडर करूंगी, तो यहाँ पे मैं मैक्स ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स, जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी सेकेंड डेरिवेटिव की, तो ये मेरा टोटल एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं कि या तो हमें स्टेप लेंथ गिवन होगी या फिर हमें पूछा जाएगा कि आपको जो एरर बताना है वो इस रेंज तक बताना है, ठीक है। इस रेंज से कम तक आप मतलब एरर लाने के लिए आप कौन सी एन की वैल्यू यूज़ करोगे, तो आप एच को बी माइनस ए बाई एन से रिप्लेस करके एन की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब दिस इज़ माई अपर लिमिट फॉर दी एरर। अब इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकती है, जो मेरी एरर हमेशा इससे लेस देन इक्वल टू रहेगी क्योंकि मैंने मैक्सिमम कंसिडर किया है ना, तो जो भी मेरी एरर होगी दैट वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू माइनस वन बाई ट्वेल्व एच स्क्वायर एंड मैक्स ऑफ सेकेंड डेरीवेटिव, ठीक है। तो सारी इक्वेशन की वैल्यूज जितनी भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही होंगी वो मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे और कोई एक चीज़ पूछी होगी, तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं एरर एनालिसिस के। ये मेरा पूरा प्रूफ था, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी होती है एंड क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप इट वॉज क्लियर अबाउट द एरर एनालिसिस इन ट्रेपेजॉइडल रूल एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे। इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन क्वेश्चंस एज वेल देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू स्टिल हैव एनी अदर डाउट्स जो कि इस प्रूफ में क्लियर ना हुआ हो देन दैट आल्सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट सुपर सून विद अनदर टॉपिक एंड टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।